खबर यूपी के चंदौली से है। नसबंदी के दौरान महिला को दर्द होने पर चिकित्सा प्रभारी ने महिला को पीटा। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश, जमकर किया हंगामा। सूचना के बाद पहुंचे एसडीएम चकिया, मौके का किया निरीक्षण। मीडिया के सामने बोलने से किया इनकार। चिकित्सा प्रभारी ने आशाओं को धमकाया, मामला उजागर किया तो नौकरी से निकाल देंगे। आशा बहुओं से प्रभारी उठवाते हैं कुर्सियां। नसबंदी कराने आई कई महिलाओं को प्रभारी ने बगैर नसबंदी किए डांट कर लौटाया वापस। पूर्व में नसबंदी के दौरान बाहर की दवा लिखने पे परिजनों ने किया था हंगामा। साहबगंज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है ये पूरा मामला। चंदौली चकिया से राजेश सिंह यादव की रिपोर्ट। और डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन कैसे करते हैं? पूरा सूट करके करते हैं, पूरा पेटीकोट हटा देते हैं और सब वहाँ से हटा करके करते हैं। थोड़ा बहुत महिलाओं को तो जान ही रहे हैं कुछ अंदरूनी बात, और ऐसे ही रहते तो कहते हैं कि आप यहाँ से लेकर के जाइए, हम नहीं करेंगे। और आशाओं को डांटते हैं, बोलते हैं। और आशा क्या कर सकते हैं? जैसे किन महिलाओं का ऑपरेशन ऐसे करते हैं? बहुत से महिलाएं ये करते हैं। होता क्या यहाँ पे नसबंदी होता है? क्या होता है? नसबंदी करते हैं, बाहर से सर्जन नहीं बुलाते हैं, बाहर से सर्जन आने के लिए मना करते हैं। तो ऐसे ही खुले में नसबंदी करते हैं? हमारे मरीज को तो खुले में, पर्दा वर्दा नहीं लगाते हैं? आज पर्दा पड़ा है, हल्का हुआ तब पड़ा जी। क्या नाम है आपका? कलावती सर। कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार गांव की। कलावती जी, क्या मामला हुआ है आपके साथ? मामला सर ये है कि हम सुबह से मरीज लाए हैं जी, और 3-4-5 बजे है जो सब कुछ मरीज को हो गया, उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम जो है तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकर घर जाओ। आपने पूछा नहीं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं सर, ऐसे बोलने का अधिकार ही नहीं देते, तुरंत कहेंगे कि भाग जाओ यहाँ से। तो आपको पूछना चाहिए ना कि सरकारी हॉस्पिटल है तो हम इलाज नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? सर कहते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, तुम बात ज्यादा बात करोगी तो उनका यही सिद्धांत है सर, डर तुम्हारे हट जाते हैं। हम लोग आशा तो एकदम दबी हुई है सर, हम तो आपके द्वारा लाए गए पेशेंट का ऑपरेशन नहीं हुआ? नहीं सर, और बार बार कहते हैं कि तुमको निकाल देंगे, बार बार हमको निकाल जाने की धमकी देते हैं। बताइए हम, ये काहे का ऑपरेशन था, किस चीज का? बच्चा बंद करने वाला सर, नसबंदी था। नसबंदी करने से इन्होंने इनकार कर दिया? किसने, क्या नाम है डॉक्टर का? जो है पूछ लीजिए, पता नहीं नाम है। क्या नाम नहीं मालूम आपको? वाले सुनील जी, क्या मामला हुआ है आपके साथ? सर हमारे वाइफ का नसबंदी हो रहा था, उस समय जब नसबंदी होते समय हल्का फुल्का दर्द हुआ तो पैर हिलाने लगी, तो डॉक्टर उसके पेट में एक मुक्का जबरदस्त मारे जी जी, और एक मुक्का पैर जी सर ज्यादा तेज मारे जी जी सर। आप थे उस वक्त वहाँ पे? बस हम सर बाहर थे ना, बाद में जब हल्ला होने लगा तो हम लोग वहाँ पर गए। किसने बताया आपको किसने बताया कि आपके औरत को डॉक्टर मार रहे हैं? जी हम वहाँ पर गए तो वहाँ हल्ला होने तो हम अपनी वाइफ से सर पूछे जी, वो बताने लगे सर जी। तो डॉक्टर साहब ने नहीं पूछा कि क्यों मारा आपने हमारी वाइफ को? सर डॉक्टर साहब तो उस समय अंदर थे ना, ऑपरेशन तो बाहर आए होंगे ना, कि अभी अंदर है? अभी अंदर है। अच्छा, बताइए। हमारा तारा देवी साहब, तारा जी क्या मामला है पूरा? सर हम एक नसबंदी करवाने आए थे, हमारा नहीं था लेकिन दूसरे का जी, करते हुए मार दिए दो बार। कौन मारा? डॉक्टर प्रभारी। क्या नाम है उनका? डॉक्टर हरिश्चंद्र। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि क्यों मार रहे हैं पेशेंट को? सर हम लोग नहीं बोल रहे कि डांटने लगते हैं। यहाँ नसबंदी कराने आए जितने भी पेशेंट हैं उनको जो है कि वो लोग दुर्व्यवस्था के शिकार हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? क्या व्यवस्था, सभी व्यवस्था मिल जाती है उन लोग को? नहीं मिलती है, कुछ मिलता है। आप अपना पूरा परिचय बताइए। विद्या देवी रामशाला साहब, हम नसबंदी 4 फरवरी के लिए आ रहे। पहले ये बताइए क्या है आप? आशा। अच्छा, आशा कार्यकर्ती। किस गांव की हैं? रामशाला। पूरा मामला क्या है बताइए। नसबंदी लेके आ रही जाए तो वो दिना नसबंदी रहा, ऑपरेशन होता रहा, थोड़ा सा चिल्ला उठल तो जंगा पर मार देना, 4 दिन ओकर जंगा ना उठे। आ हमके लगल गांव में तुर पैसे करौलू, आशा बनल हो तो हई हो तो दुनिया भरे के हमके गांव भरला कर देल। किस दिन, किस तारीख की बात है? 4 फरवरी के। उसके बाद उस महिला ने कहीं शिकायत नहीं की? महिला डरात ना है, उनके घर कोई ना, पहनियौरे में है। किसे, डॉक्टर साहब से डर रही है? हाँ पहनियौरे में है, आशाएं भी डॉक्टर से डर रही है, कहते हैं कि निकाल देंगे, बार बार धमकी देते हैं, आशाओं के पीछे पड़ जाते हैं। क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब आप लोग? डॉक्टर साहब कहते हैं कि ज्यादा हमसे दिखाओगी बोलोगी तो तुम्हें निकाल देंगे आशा से। तो आपने पूछा नहीं कि क्यों निकाल देंगे? तो इतना पूछने में तो सर चढ़ बैठते हैं, डांटते हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? नाम ही तो उनका हमको नहीं मालूम है सर। हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। ये क्या है यहाँ के?
प्रभारी है सर यहाँ के। अगर हम लोग आते हैं तो कुर्सी उठा हुआ सर जल्दी से, मोबाइल लेकर के सर घूमते रहते हैं हम लोग, कुर्सी लेकर के उनके चूतर के पीछे पीछे घूमते हैं। आप लोगों से कुर्सियाँ उठवाते हैं? जी सर, बताइए कि हम लोग कितने गिरे रास्ते से पार करके काम कर रहे हैं, सरकार इस पर भी हम लोग के पेट पर लात मारने की धमकी देते हैं। क्या नाम है आपका? प्रभु नारायण। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा कोना है, साहबगंज, विकासखंड साहबगंज। प्रभु जी क्या मामला है आज? मामला ये है कि ऑपरेशन का सर जो यहाँ नसबंदी का ऑपरेशन होता जी। है पहली गलतियाँ तो ये होती है कि डॉक्टर साहब मानक के अनुसार 30 जी कहते हैं कि 30 बस हम करेंगे, बेसी नहीं करेंगे जी। तो ये लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं 50-60-70 जी। पहले तो मरीजों को इतना परेशानी होती है जी कि 30 करके वह छोड़ देते हैं तो मरीज तो भटकते हैं। दूसरी बात, जब मरीज का ऑपरेशन होता है तो मान लीजिए दर्द तो मरीज को जरूर होता है जी, लेकिन जब दर्द होता है तो ये लोग बेरहमी से जी मुंह पर चटा मार देते हैं जी, पेट पर मुक्का से मार देते हैं जी। जितनी आशाएं हैं सब परेशान होकर के ये चिल्लाना शुरू कर देती है। औरतें इतना परेशान हो जाती हैं कि लस्त हो जाती हैं। अगर ज़्यादा हल्ला किया जाता है या ये बात कही जाती है बाहर समाज में तो उस मरीज को बैक कर दिया जाता है, कह दिया जाता है कि जाओ तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करेंगे। कौन बैक करता है? ये डॉक्टर साहब जो ऑपरेशन करने आते हैं। कहाँ से आते हैं? अब जहाँ से आते हो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं ना, बाहर से आते हैं, बाहर से डॉक्टर आते हैं जी। तो ऐसे करते हैं और यही परिस्थिति। अच्छा, यहाँ जो सुविधाएं होनी चाहिए इस हॉस्पिटल में कि जो ऑपरेशन ओटी से ओपीडी से जब निकलता है आदमी ऑपरेशन रूम से तो उसको सुरक्षित रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं रखी जाती कि कम से कम वो सेपरेट रह जाए कि उसको कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन न हो। और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दलित का ही ऑपरेशन होता है और दलितों का स्थिति ये हो जाती है कि यहाँ से तो ऑपरेशन करके लोग छोड़ देते हैं, इसके बाद घर जब दलित जाते हैं उनकी सफाई जब नहीं हो पाती है यहाँ से ही इन्फेक्शन लेकर के जाते हैं, बल्कि वो सुरक्षित नहीं जाते हैं, तमाम बीमारियां उनके शरीर में हो जाती हैं और लास्ट में यही होता है कि ऑपरेशन कराने से बहुत से लोग डरते हैं कि भैया ऑपरेशन हम सरकारी में नहीं करवाएंगे, हम बल्कि प्राइवेट में जा करके ऑपरेशन करवाएंगे कि हम सुरक्षित रहें। यही बात। और डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन कैसे करते हैं? पूरा बेसन घूमते सूट का करके करते हैं, पूरा पेटीकोट हटा देते हैं और सब वहाँ से हटा करके करते हैं। थोड़ा बहुत महिलाओं को तो जान ही रहे हैं कुछ अंदरूनी बात, और ऐसे ही रहते तो कहते हैं कि आप यहाँ से लेकर के जाइए, हम नहीं करेंगे। और आशाओं को डांटते हैं, बोलते हैं और आशा क्या कर सकते हैं। जैसे किन महिलाओं का ऑपरेशन ऐसे करते हैं ये? अरे सर, बहुत से महिलाएं ये करते हैं। होता क्या यहाँ पे नसबंदी होता है? क्या होता है? नसबंदी करते हैं, बाहर से सर्जन नहीं बुलाते हैं, बाहर से सर्जन आने के लिए मना करते हैं। तो ऐसे ही खुले में नसबंदी करते हैं? खुले में करते हैं, हमारे मरीज को तो खुले में। पर्दा उर्दा नहीं लगाते हैं? नहीं, आज पर्दा पड़ा है।